एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और अभी मैंने ये वॉलपेपर जो है फिक्स किया है मम्मी की हेल्प से, एंड मैं फर्स्ट वीडियो बनाने जा रही हूँ इसमें। तो ये काफी अच्छा लुक दे रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ इस साइड से। सो ये इस तरीके का काफी अच्छा लुक दे रहा है ये। तो मैंने यहाँ पर ना अपना मेकअप का सारा मैं नीचे ही बैठ जाती हूँ एक मिनट। यस, तो ये कुछ लाइक इस तरीके का ये लगेगा, काफी सही लग रहा है देखने में। एंड मैंने यहाँ पर अपना मेकअप का सामान जो है वो निकाल करके रख लिया है, तो मैं मेकअप वीडियो शूट करने जा रही हूँ। एंड ये वीडियो आपको आज तो नहीं, कल या परसों में मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ में। एंड ये जो है काफी अच्छा लुक दे रहा है, बाकी तो वीडियो शूट हो जाएगी उसके बाद ज्यादा पता लगेगा, बट बहुत अच्छे से यू नो फिक्स हो गया है ये। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने मतलब कुछ इस पे अलग से चिपकाया, ऐसा लग रहा है वॉल पे ही कुछ डिजाइन है इस तरीके का, काफी अच्छे से फिक्स हो गया है। तो 199 रुपए है ना मेरे, वो मुझे वसूल हो गए हैं, 199 रुपए वसूल हो गए हैं। तो इतना है ये, और मेरे ख्याल से थोड़ा सा और बचा है, एंड थोड़ा मैंने कहीं और लगाया, इतना ही मैंने कहीं और लगा दिया है। तो 199 रुपए में काफी हद तक आप कह सकते हो आधी जो दीवार होती है ना वो पूरी हो जाती है डेकोरेट इससे। तो काफी अच्छा मटेरियल है ये, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अभी मैं वीडियो शूट करने जा रही हूँ, तो वीडियो शूट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ दोबारा। सो फ्रेंड्स, लाइट का बहुत ज्यादा इश्यू था, मैं वीडियो बिल्कुल भी नहीं शूट कर पाई। सो मैंने एक वीडियो शूट की है, मैंने रिव्यू दिया है मार्स का आईब्रो पाउडर का। हवा बहुत चल रही है इस वजह से शायद लाइट नहीं आ रही है, अब जाकर आई है एंड अब हो गया है टाइम बहुत ज्यादा। तो मैंने एक ही वीडियो शूट करी है, मेकअप मैंने नहीं शूट किया, एंड ये वाला बैकग्राउंड भी मैंने नहीं यूज किया, मैंने पुराने वाली जगह पर ही बैठकर अपनी वीडियो शूट की है। एंड अब टाइम है अपने मेकअप को हल्का सा रिमूव करने का, क्योंकि मैंने थोड़ा सा यू नो क्रीम लगाई थी इन साइड की, और बीबी क्रीम है वो एक्चुअली, वो लगाई थी। तो अब मैं थोड़ा सा मेकअप रिमूव करूंगी, उसके बाद खाना खाऊंगी, क्योंकि मैं सुबह से भूखी और मैंने कुछ नहीं खाया। मैं सोची थी कि 2-3 वीडियो बना लूंगी, बट लाइट ही नहीं आ रही, आई नहीं रही, क्योंकि हवा चल रही है, शायद इस वजह से कुछ गड़बड़ होगी बाहर, तो लाइट नहीं आ रही थी। तो मैंने एक ही वीडियो शूट किया, छोटू सा मतलब एक रिव्यू दिया है मैंने उसका, डेमो और रिव्यू दिया है। सो वो देखना आप, अभी ये ब्लॉग मैं आपसे शेयर करूंगी, शायद आज मे बी करूंगी। और अभी मैं अपने मेकअप को रिमूव करने जा रही हूँ, उसके बाद खाना खाऊंगी और देखते हैं मम्मी उधर क्या कर रही है, फिर मम्मी कुछ काम बताएगी तो वो करेंगे। बाकी चलो मैं पहले मेकअप रिमूव कर लेती हूँ अपना। अभी मैं करंट में ये ब्लू हेवन का बाई फेस मेकअप रिमूवर यूज करती हूँ अपने मेकअप को रिमूव करने के लिए। पहले तो मैं पॉन्ड्स का मेकअप रिमूवर यूज कर रही थी, एंड वो अभी आधा रह गया है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको यूज करूं। सो ये है प्राइमर डोना के 100 कॉटन पैड्स। तो ये कॉटन पैड्स का भी मैंने आपके साथ रिव्यू शेयर किया हुआ है, अगर आप देखना चाहते हो कि ये मैंने कहाँ से लिए थे, कितने के लिए थे, तो आप वो वीडियो जरूर चेकआउट करें। सो मिनिमम मेरे को 2 कॉटन पैड लगते हैं अपने पूरे मेकअप को रिमूव करने के लिए, चाहे वो हैवी वाला मेकअप हो या फिर ये थोड़ा बहुत जो भी रिव्यू वगैरह करने के लिए हम लोग करते हैं। सो इसको पहले मुझे शेक करना है, बिकॉज इसमें जो है आर्गन ऑयल है, आर्गन ऑयल की गुडनेस है इसमें, तो इसको ऐसे मैं शेक कर लूंगी तो ये देख सकते आप इसमें जो ऑयल है ना वो मिक्स हो जाएगा, वो काफी अच्छा वर्क करेगा। तो कॉटन पैड पे मैं इसको ले लूंगी, और आज पता नहीं मौसम का क्या हो रहा है, मार्च का लास्ट चल रहा है और फिर भी मतलब इतनी ज्यादा बारिश हो जा रही है ना, अभी बारिश का हो रहा है, काला काला बादल आ रहा है उधर से इतना, और मुझे लग रहा है शाम को, अभी तो बज रहे हैं 3 बजने वाले हैं, और मुझे लग रहा है शाम को 4-5 बजे बारिश होगी होगी, क्योंकि बहुत काला काला बादल आ रहा है उस साइड से। तो मौसम का ना कुछ पता नहीं चल रहा है ना, बहुत ज्यादा वो हो रहा है आजकल, कभी भी बारिश हो रही है, कभी भी धूप निकल रही है। तो ये वाला जो मेकअप रिमूवर है ना और पॉन्ड्स वाला, मैंने इन दोनों का कंपैरिजन आपके साथ शेयर किया हुआ है कि कौन सा ज्यादा बेस्ट है इन दोनों में। तो मुझे तो यार दोनों ही अच्छे लगते हैं, दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से मेकअप को रिमूव कर देते हैं, मुझे तो दोनों ही बहुत ज्यादा पसंद है। तो मैं बारी बारी करके यूज करती रहती हूँ। पहले तो मैं, जब मेरे पास ये नहीं था मेकअप रिमूवर, मैं कोकोनट ऑयल यूज करती थी, एंड काफी अच्छा मेकअप रिमूवर है ये, आप देख सकते हो
बिल्कुल अच्छा है, मतलब एकदम से ही गायब कर देता है। तो ये आप देख सकते हो कितना ज्यादा मेकअप था। पहले मैं कोकोनट ऑयल यूज करती थी मेकअप रिमूव करने के लिए, बट मुझे ऐसा लगने लगा कि ना वो मेरा फेस, एक तो ऑयली है मेरी स्किन, पता नहीं सबसे ही अलग है ऑयली स्किन है, इस वजह से ही मेरे फेस पे इतने ज्यादा पिंपल्स ही निकलते रहते हैं, और फिर उनके अगर उन्हें मैं दबा दूं या फोड़ दूं तो उनके निशान इतने बुरे लगते हैं ना कि बस फेस का पूरा सत्यानाश हो जाता है। तो ऑयली स्किन होने की वजह से ना, तो मैं नारियल का तेल यूज करती थी ना, तो फेस मेरा बहुत ही ज्यादा डल, एकदम काला काला की केयर ना कियो ऐसा मेरा फेस लगता था। तो फिर मैंने ना ये वाला जो है, पहले तो मैंने पॉन्ड्स का मंगाया था, फिर वो आधा हो गया, फिर ये जो न्यू लॉन्च हुआ था ये ब्लू हेवन का, तो मैंने ये वाला मंगाया। सो मैं बारी बारी से यूज करती रहती हूँ एंड काफी अच्छा है यार। आप भी अगर मेकअप लवर हो तो आप मेकअप रिमूवर जरूर मंगा लो, क्योंकि मेकअप को रिमूव करना बहुत जरूरी है। तो मैंने ज्यादा तो नहीं किया था, बहुत हल्का सा ही किया था, बट इसको रिमूव करना जरूरी है। तो अभी मैं फेस वॉश कर इसको रिमूव कर दिया। वैसे तो इसमें ये लिखा है कि आप इसको रिमूव कर लोगे ना तो इसके बाद आपको कुछ भी मतलब पानी से धोने की जरूरत नहीं है, बट नहीं, मेरे से नहीं रह जाता बिल्कुल भी। मैं फेस वॉश जरूर करूंगी। मैंने फेस वॉश नेचर्स का यूज कर रही हूँ आजकल, वो है उसमें नीम है तो वो मेरे फेस के लिए अच्छा है। तो पिंपल्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है मुझे, तो मैं नीम वाला फेस वॉश यूज करती हूँ। सो मेकअप ऑलमोस्ट हो गया है रिमूव, तो अब मुझे करना है फेस वॉश। फेस वॉश मैं करके आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। सो फेस को वॉश करने के बाद में मैं यहाँ पर फेस पर प्योर रूट्स का एलोवेरा जेल लगा लूँगी, तो इससे मेरा फेस जो है काफ़ी अच्छा लगेगा और मॉइस्चराइज भी हो जाएगा। तो इसे मैं अपने फेस पर अच्छे तरीके से लगा लूँगी। सो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मैं आई हूँ किचन में बनाना शेक बनाने के लिए। तो ये सुबह मम्मी ने गली में आया था एक बेचने के लिए, तो मम्मी ने उसे ले लिए थे एंड छोटे वाले भाई की डिमांड थी कि उसके लिए मैं बनाना शेक बना दूँ। तो मैंने सोचा उसी के लिए क्यों मैं सभी के लिए बना देती हूँ, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर मेरे को रात में नींद नहीं आती तो मैं दिन में बहुत कम सोती हूँ। तो मैं आ गई थी किचन में और मम्मी है उधर सो रही है वो। तो इसमें मैंने ये बनाना पील करके सब डाल दिए हैं एंड इसमें मैं ये 4 चम्मच चीनी डाल दूंगी और बस इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। दूध जो है वो मैंने फ्रिज में बहुत देर पहले रख दिया था, क्योंकि ये ठंडा ठंडा ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं दूध इसमें मिला दूंगी और बस इसे बंद करके अब हमें इसे ब्लेंड करना है अच्छे से। सो फ्रेंड्स, बनाना शेक रेडी हो गया है, तो आप भी आ जाओ और पी लो मेरे साथ में। ये देखो ये रेडी हो गया है। सो अभी मम्मी है उस वाले रूम में, सो अभी हम चलते हैं उधर मम्मी के पास में, क्योंकि मम्मी सो रही है और मम्मी ने बोला था कि तू खुद से बना ले और इसमें बनाने में कुछ ज़्यादा भेद भी नहीं है, तो या मैंने बना लिया है। तो अब चलो उधर चलते हैं, पहले पापा को दे देते हैं। थैंक यू बोलो, थैंक यू। और मम्मी को भी दे के आते हैं। सो उस वाले रूम में चलते हैं। सो रहे हो? लो ये देखो, मेरी मम्मी यहाँ पे आराम कर रही हैं और मैं
उनके लिए बना के लाई हूँ और सबको मैं ही दे रही हूँ अभी। बताओ। हाँ मेरे लिए लाई है बना के। बताओ देखो ना चिन्नी कैसी है पीके। चार नंबर डाल ली थी। बढ़िया है ना। अच्छा है ना। इधर दूध के कलर का हो गया। कलर तो आया ही नहीं इसमें। नहीं वैसा कलर। गाइस मैंने भी ले लिया है एंड मैं जा रही हूँ अभी छत पर। छत पर जाके देखती हूँ। मौसम आज बहुत ज्यादा बढ़िया वाला हो रहा है। ऊपर थोड़ा सा घूमेंगे। हवा हवा चल रही है आज। कुंडी खोल ली। खुल गई। छत पे समय छत पे लेके आ गई क्योंकि ना बहुत ठंडा ठंडा हो रहा है। और ना उधर की साइड आप देख सकते हो बहुत काले काले बादल हो रहे हैं। उधर मुझे लग रहा है बारिश वारिश हो गई है एंड यहाँ भी होगी या नहीं पता। उधर देखो कितना काला काला हो रहा है। बहुत काला काला हो रहा है छत पे। कितना अच्छा लग रहा है ना। बिल्कुल भी पूरे दिन हो गया धूप नहीं निकली। और मैंने ना अपने लिए ना बस इतना सा ही लिया है क्योंकि मैं ज़्यादा दूध पीती नहीं हूँ। मुझे अजीब सा लगता है दूध में। और ये इसके साथ मिक्स है ना चीनी वीनी है इसमें तो थोड़ा ठीक भी लगेगा। बाकी देखती मैं पी के। केले का टेस्ट आ रहा है। वो ये बनाना शेक से रख देते हैं। पी रही हूँ। मम्मी भी आ गई ऊपर। आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। सब छत पे ही है। अपनी मोस्टली लोग छत पे घूम रहे हैं और बारिश होने के पूरे पूरे आसार हैं। बहुत बादल बहुत ज्यादा हो रहा है। हवा बहुत अच्छी चल रही है। हाँ सब छत पे ही रहेंगे। बाहर तो जाना नहीं है। लॉकडाउन है कर्फ्यू है तो सब छत पे ही घूमेंगे और छत से ही देखते रहते हैं इधर-उधर क्या क्या कर रहे हैं लोग। तो मैं इस वाली छत पे आई हूँ अपनी दूसरी वाली छत पे। तो इधर हमारा दूसरी वाली छत है ये मतलब। और ये हमारा जामुन का पेड़ है। ये इतना बड़ा हो गया दूसरी मंजिल तक आ गया ये। और इस पे इस बार फल जरूर लगेगा क्योंकि पिछली बार ना इससे स्टार्टिंग हो गई है पिछली बार से इस पे फल वगैरह आने की। तो इस बार इस पे जामुन आने के आसार हैं बहुत ज़्यादा। तो इसको बहुत दिन हो गए पता नहीं कितने साल हो गए ये बढ़े जा रहा है। लोग बोलते थे कि तुम्हारा तुम ऐसे ऐसे पाले जा रहे हो पेड़ को ये कुछ दे तो रहा नहीं इतना लंबा बड़ा हो गया इतना ये हो गया वो हो गया। तो अब मैंने कहा पापा ने बोला कि नहीं नहीं कुछ भी हो जाए अब क्या हो गया फल नहीं दे रहा तो छाया है तो दे रहा है ग्रीनरी तो है इससे। तो पिछले साल ही इस पे बहुत सारे फूल आए और बहुत सारे जामुन हमने खाए तो बहुत अच्छे लग रहे थे। तो इस बार मुझे लग रहा है इस पे बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और तो चलो फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।